I'm falling for baby, you. This फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने स्टार्टिंग में देख लिया मैं कौन सा रील वीडियो इस बार बताने वाली हूँ। ये इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, आपने देख ही लिया होगा अभी तक में। तो चलिए मैं आपको आसान तरीके से इस पे रील्स बनाने बताती हूँ। सबसे पहले VN ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ से स्किप ऐड करके प्लस के आइकन पे टैप करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम से ये वीडियो डाउनलोड करके रखा है, इसके आगे का लिरिक्स को लेना है। ये वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं इसके स्टार्टिंग पार्ट का लिरिक्स कट कर लेती हूँ, ये वीडियो के साथ है तो मैं स्टार्टिंग पार्ट का लिरिक्स ले लेती हूँ। यहाँ से स्प्लिट करके कट कर लूंगी, ये आपको स्प्लिट किया हुआ ही बस आगे का लिरिक्स वाला वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और ये म्यूजिक मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। फिर ये लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे, होगी। अब यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करके फोटोज में जाएंगे, यहाँ से फोटोज सेलेक्ट करेंगे। ये हमने कुछ फोटोज सेलेक्ट किया, अब हमने एक एक करके चार फोटोज सेलेक्ट करना है, फोर फोटोज लेना है, कोई भी आपको जो भी मन हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ले सकते हो, अपने अकेले वाले ले सकते हो, आपको जैसा भी मन है, जिसके साथ भी मन है वो फोटोज ले सकते हो। ये हो गया। अब हम यहाँ पे ऐड म्यूजिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से म्यूजिक ऐड करेंगे, सबसे पहले यहाँ से प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में जाएंगे, फिर मैंने वो स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाया वो वीडियो लेंगे और इसी का म्यूजिक हम कॉपी कर लेंगे। ये हो गया, आ गया, यहाँ से फाइल बना लिया। अब यहाँ से चूज म्यूजिक करेंगे, अब यहाँ से डन कर देंगे। इसमें बीट सेलेक्ट नहीं करना है, फोटोज को इस म्यूजिक के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। अब देखिए फोटोज को कैसे सेट करना है, मैं आपको बता देती हूँ फोटोज का लेंथ कितना कितना रखना है। पहले हम ओरिजिनल से हटा के इसको इसके रेशियो को 9:16 कर लेंगे। ये हो गया हमारा कम्प्लीट। अब किसी फोटोज को अगर जूम छोटा या जूम करना है, बड़ा छोटा करना है, तो उस पर टैप करके और दोनों उंगली से ऐसे करके स्क्रीन पे हम बड़ा छोटा कर लेंगे फोटोज को। ये हो गया आप कंप्लीट। इस तरह से आप सब फोटोज को कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ये देखिए मैंने कर दिया, दिखा दिया आपको करके, हो गया ये हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब फोटोज मेरा ठीक है। अब देखिए अब फोटोज के लेंथ को कितना कितना दूरी पे रखना है, ये फर्स्ट वाले वीडियो का जो लिरिक्स वाला है उसकी म्यूजिक को म्यूट कर देना है। ये मैंने म्यूट कर दिया है, यहाँ देख लिया है आपने। अब आगे दिखाती हूँ फोटोज के लेंथ को कितना कितना रखना है। ये सबसे पहला फोटोज हम सबसे पहले फोटोज का लेंथ हम 1.71 रखेंगे, 1.71 सेकंड, और फिर सेकंड फोटोज के लेंथ को हम रखेंगे 1.52 सेकंड। ये हो गया हमारा 1.52 सेकंड, और थर्ड फोटो को हम रखेंगे 1.16 सेकंड। ये हो गया हमारा 1.16 सेकंड। सबसे लास्ट फोटो को 1 सेकंड का रखेंगे, हो गया ये हमारा, हाँ। फिर लास्ट वाले को डिलीट कर देना है, वो ब्लैक वाला जो हमारा बच जाता है उसको डिलीट कर देना। ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, ये वाला हमारा सेकंड प्लस का आइकन, उस पर टैप करेंगे और हम जूम करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हमको कितना रखना है, 52% रखना है, ठीक है। ज्यादा या कम आपका अपना मन है, रख सकते हो, लेकिन 52 सेकंड के आसपास रखना है, हो गया। अब यहाँ से अप्लाई टू ऑल कर देंगे, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम सेकेंड फोटोज पे जाके एफएक्स में जाएंगे, ये देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से हो गया हमारा, हो गया। ये लास्ट वाला फोटोज हमारा थोड़ा छोटा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब हो गया कंप्लीट ये। अब हम फोटोज पे आएंगे, यहाँ से सेकेंड फोटोज पे आ जाएंगे सीधा, और सेकेंड फोटोज पे आके एफएक्स में चलेंगे। यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ, एफएक्स में जाएंगे और यहाँ से फिर हम आ जाएंगे जूम आउट पे, जूम आउट पे क्लिक करेंगे और इसके ड्यूरेशन को ये जो है इसको फुल कर देना है पूरे फोटोज में, और अप्लाई टू ऑल कर देना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दिखा देती हूँ वीडियोस हमारा कैसा बना है। और ये जो हमारे लिरिक्स वाले में चले गया है, ये जूम आउट वाला, उसको नन कर देना है, उसमें बस उसी में जाकर के हमारे फर्स्ट वाले वीडियो पे, लिरिक्स वाले वीडियो पे कुछ नहीं होगा, तो उसको नन कर दिया। अब आप देख सकते हैं क्या मस्त वीडियो बना है, आप आराम से बना सकते हो। ये हो गया हमारा वीडियोस कंप्लीट, हो गया। अब यहाँ से ऊपर एक्सपोर्ट पे टैप करके वीडियोस को सेव कर लेंगे, ये हमारी गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट कर सकते हो। इस वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और म्यूजिक का भी, ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।